हेलो, कैसी हो आप? अरे यार, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहे। हेलो भाई, भाई कैसे हो? अरे अरे भाई, ओह माय गॉड गाइस, मैडम कैसी हैं आप? वो आपका डॉग बहुत प्यारा है, देखो ना, एकदम क्यूटी पाई जैसा है ना। आप मेरे साथ खेलोगे? चलो हम लोग गेम्स खेलते हैं। गाइस यार, मैं पता है एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, काफी दिनों से मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों को भाव नहीं मिलता है यार। मतलब मेरी दीदी को हर जगह भाव मिलता रहता है, वो जहाँ चली जाए जहाँ जाए। तो मेरे को लगता है लड़कियों को ज्यादा भाव मिलता है लड़कों से। तो आज मैं सर्वर में लड़की बन के घूमूंगा और देखूंगा कि लोग कैसे कुछ अलग रिएक्ट करते हैं। क्या गाइस, तुम लोगों को भी देखना है ना? तो चलो आज यही करते हैं। सबसे पहले मुझे एक रूम में जाना होगा। भाई तुम्हारा भाई लड़के से लड़की में कन्वर्ट हो रहा था, ऑब्वियसली एक प्राइवेट रूम चाहिए हमको। हाँ, हम पुलिस स्टेशन में जाके कपड़े बदलेंगे गाइस, देख रहे हो? मतलब इतना बढ़िया तुमने कभी देखा है आज तक? हम जेल में जाएंगे। ये देखो पुलिस स्टेशन। सर कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है। पुलिस वाले भी शर्मा गए मेरे को कपड़े बदलते हुए देख के। यहाँ पर हम आ गए जेल के अंदर, जो वाओ। और अभी सोते सोते क्या हम कपड़े बदल सकते? नहीं भाई, हमें खड़े होकर ही कपड़े बदल लेने चाहिए। यस, ये देखो मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। हाय, कैसी हो? मेरा नाम आयशा है। वाओ, हेलो आयशा। ओ, मेरे बैग भी लटका रखा है। मेरे बाल एकदम एनिमे गर्ल जैसी लग रही है। क्यूटी क्यूटी। और क्यूटी लड़की जेल में क्या कर रही है? चलो हम लोग जेल से बाहर जाएंगे। वाओ, कितना सुहाना दिन है। मैं अपने स्कर्ट से पूरा रोड साफ कर सकती हूँ, इतना बड़ा स्कर्ट है मेरा। चलो कोई मेरा दोस्त बनेगा। हेलो, चलो यहाँ पर सब लोग हैं। मैं कितना स्वच्छ भारत अभियान में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ अपने स्कर्ट की हेल्प से। ओ भाई, कोई मेरे पास से गाड़ी लेके गया। लगता है पहले मेरे को अपनी स्नैप भेजनी चाहिए। लड़कियों की फोटोज बहुत वायरल होती है गाइस, तुम लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पे कैमरा लेती हूँ। वाओ, ओ माय गॉड, कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं। ये देखो, मैं इस तरीके से खींच के यहाँ पे फोटो ले लिया है मैंने। वाओ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, एनीवन इंटरेस्टेड। और साथ में लिख देता हूँ, वाओ, ये सबसे क्यूट इमोजी होता है लड़कियों के लिए। तो इसको हम लोग अपने स्टोरी पे लगा देते हैं। लेट्स गो। तो देखते हैं अभी कोई मेरा स्टोरी देखेगा तो मेरे को पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे किससे तो बात करूं? गाइस लगता है मेरे काफी लोगों ने स्टोरी देख ली है। मैं चेक कर रही हूँ, मेरा क्यों टोन यार लड़कियों वाला हो गया है। ओके, मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ गाइस, ये देखो मेरे को एक लड़की का स्नैप आया है। हे क्यूटी, आई वांट टू बी योर फ्रेंड। वाओ, ओके, एक ने तो देखा। तो चलो मैं भी उसे अपना स्नैप भेजती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, यहाँ पे अपना फोटो लेके। आई एम एट द पार्क, विल यू मीट मी? मैं पार्क में हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? ये मैंने उसे भेज दिया है। देखते हैं वो देखता है क्या। यही आसपास तो नहीं कहीं? ये लिखा, ओ आई एम कमिंग डार्लिंग। ओ माय गॉड गाइस, देख रहे हो, मैंने बोला था लड़की बनती भाव मिलना चालू हो जाता है। और हेलो, मेरे को इससे मैसेज में बात करनी पड़ेगी लगता है। हेलो, ओ इसने भी देखो ऊपर हाय लिखा है। हाय, हेलो, ये आई विल बी योर बॉयफ्रेंड। ओके, ये मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे शर्म आ रही है। ओ अरे, यहाँ पर तो दूसरी लड़की आ गई भांजी मारने के लिए। ओ माय गॉड, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को छीनेगी तू? रुक जा, मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉय, मैं इसको लिखता हूँ, फ्रेंड कम हेयर, मेरे साथ आओ यहाँ पे, कम हेयर। इसने लिखा, यू आर प्रिटी। यस आई नो भाई, आयशा है मेरा नाम। दुनिया में जलवा गिराना है मेरा काम। ये गाइस, मेरा एक फ्रेंड तो बन गया, लेकिन मैं इसके साथ अब करूँ क्या? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी रेडी है, देख रहे हो? मतलब लड़के को गर्लफ्रेंड मिलना नामुमकिन, लेकिन ठीक है। तो अभी थोड़ा मस्ती करते हैं, फिर हम लोग दीदी को भी प्रैंक करेंगे। यस, मजा आएगा। उसने कुछ लिखा है, लेट्स गो टू माय हाउस। ओके चलो चलते हैं, चलो। ओके तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके यस, चलो चले, लेकिन साथ में पहले एक सेल्फी तो हो जाए। ये देखो, मैं इसके साथ में ऐसे फोटो खींचती हूँ। ये हम लोग अपना डॉगी वाला भी यहाँ पे लगा देते हैं। क्यूट, माई न्यू बेस्ट फ्रेंड। यस, मेरा न्यू बेस्ट फ्रेंड। मैं इसे अपने स्टोरी में लगा देती हूँ, अब सबको पता चल जाएगा मेरा न्यू बेस्ट फ्रेंड। और इसने कुछ लिखा है, ओ माय गॉड, आई नीड टू हग यू। अरे ये कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहा है? नहीं, हग वग नहीं अभी, अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, अभी नहीं, नो
नॉट नाउ। अरे ये शर्मा रहे, ओ माय गॉड भाई, ये सब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मेरे को डर लगा है गाइस, सच मुझे बहुत डर लग रहा है यहीं पे बहुत दूर तक। अरे इसने कुछ लिखा है, देखना पड़ेगा भाई ये क्या लिख रहा है। व्हाई भाई, क्यों मतलब लेट्स प्ले फर्स्ट, पहले थोड़ा खेलते हैं ना। नो प्ले ओनली किस, भाई ये खेलना नहीं चाहता, ये चुम्मी देना चाहता है। गाइस ज्यादा क्रीपी हो गया है, मेरे को भागना पड़ेगा। भागो 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 भागो, ओ माय गॉड वो क्या कर रहा था वहां पे, ओह शिट वो मेरे पीछे आ रहा है, मेरे को स्टॉक कर रहा है। भाई लड़कियों की इतनी प्रॉब्लम्स होती है यार, लड़के पीछे पड़ जाते हैं, ओह माय गॉड थोड़ा सा भाव दे दिया तो पीछे पड़ गया मेरे को क्या करूं। मैं दीदी के पास जाऊं क्या, दीदी भी तो लड़की है, दीदी मेरे को ऐसे सिचुएशन में हेल्प कर सकती है। ये क्रीपी मेरे पीछे पड़ गया, एक काम करती हूं मैं पहले यहां पे एक स्नैप ले लेती हूं, ये ऐसे, हां ओ माय गॉड ये मैंने खींच लिया। ही इज क्रीपी भाई, ये क्रीपी है। मैं दीदी को भेजूं क्या स्नैप, हां मैं दीदी को ही भेजता हूं। ओके ओके ओके, आई थिंक दीदी देख ले तो मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाए, तो मेरे पीछे पड़ गया। दे दे, मेरे को दीदी के पास जाना है, दीदी के घर में चलते हैं। गाइस मेरी पिंक कलर की गाड़ी में मैं बैठूंगी, ओ माय गॉड मेरा फ्रॉक गाड़ी से बाहर निकल चुका है और मैं यहाँ से जाते हुए एक दीदी के पीछे, और वो अभी भी मेरे पीछे आ रहा है वो लड़का। नहीं, चलो दीदी के पास चलो, ओह शिट वो अभी भी आ रहा है। दीदी का घर मैं ये रहा, लेट्स गो। ये दीदी इतने आलिशान बंगले में रहती है, और ये मैं पहुंच गई, ओ माय गॉड बुरी बुरी दीदी। एक काम करती हूँ ना, मैं आयशा बन के उससे बात करूंगी। एक दादी गेट खोलिए, मैं डोरबेल बजा रही हूँ, टिंग टोंग। अरे एक दादी मेरी मदद करिए एक दादी। अरे मैंने पहचाना नहीं वैसे, कौन हो तुम? मैंने आपको अभी स्नैप भेजा, देखिए ना, ओ माय गॉड, हाँ मैं डरी हुई हूँ, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। अरे अरे आयशा, अच्छा ओ तुम तो आयुष की फ्रेंड हो ना? मैं आयुष की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं आयुष को जानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, मैं आप लोग की बिग फैन हूँ, बिग फैन। तो आयशा वैसे क्या हुआ, तुमने मुझे लिखा है कि बचाओ मुझे एकता दीदी, ऐसा क्यों लिखा है? हाँ एकता दीदी मुझे बचाओ, मैं मेरे पीछे एक क्रीपी लड़का पड़ गया है, वो मुझे किस करना चाहता है, मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। ओह माय गॉड क्या बोल रहे हो यार, कुछ नहीं, आ जाओ आराम से, यहाँ पे तुम यहाँ पे लेट जाओ, कोई इशू नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं आ सकता है। अरे एक थी मुझे डर लग रहा है, आप यहाँ पे न्यूज में क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी लड़का है, मुझे लड़कों से डर लग रहा है। एक थी नहीं, अरे अरे डरो मत, ये देखो घर को मैंने कर दिया है लॉक, टेंशन मत करो, लॉक कर दिया आपने, आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड बनाऊंगी, यहाँ पे बैठ जाओ, टेंशन की बात नहीं है, जब मैं रहती हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। ओ एक दादी आप कितनी स्ट्रांग हो, कितनी बोल्ड हो आप, और कहाँ करिए। वाओ यार इतने सारे, मतलब मैं अपनी बड़ाई सुनी नहीं हूँ कभी, आज सुन के काफी अच्छा लग रहा है मुझे वैसे। क्यों आयुष भाई, आयुष भाई आपकी तारीफ नहीं करते, आप तो बहुत स्ट्रांग हो है ना? नहीं, आयुष क्या तारीफ करेगा, आयुष तो एकदम बेकार है, वो तो मतलब मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, वो बस ये चाहता है कि मुझे एकदम गंदा बोले, मोटी बोले, ये चाहता है वो तो, मतलब वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे पता है अच्छे से। अच्छा ये बात है, तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब सी लगी मुझे आयशा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, रुकी एक सेकंड में आई। कैसे अच्छा मौका है, दीदी से पता लगवाती मेरे बारे में क्या सोचती है, अभी तो आधा तो कचरा बोली है ये मेरे बारे में, लेकिन रुको अभी देखो। एक दादी आपने एकदम सही बोला, आयुष में बहुत बदमाश है, वो आपको कितना परेशान करते हैं, आप हो रियल प्रो, आप सबसे बेस्ट हो एक दादी, रेड कलर इज द बेस्ट। अरे ये तो तुमने एकदम सही बात बोली है, एकदम परफेक्ट बात, आयुष एकदम बेकार है, वो एकदम घटिया है, बस मैं क्या बताऊं, आयुष ने मुझे कितना परेशान कर रखा है, मैं हूँ जो उसको संभाल रही हूँ मैं। ओह माय गॉड एकदम अब कितना सहन कर रही हो, वाओ है ना? हाँ वो तो है ही ऑब्वियसली, उसकी अच्छी बहन हूँ मैं, वो गंदा भाई है मेरा। ये तो अच्छा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब हाँ सही बोला आपने दादी एकदम, देख लो वही तो ना। लेकिन आयुष भाई अच्छे हैं, मतलब उनका दिल बड़ा है, वो अच्छे से गेम खेलते हैं, वो सबसे बड़े प्रो है, वो इतना बड़ा बड़ा बिल्ड बनाते हैं माइनक्राफ्ट में, रोब्लॉक्स में भी इतना, मतलब हाँ, वो अलग बात है, बट वो बहन के लिए अच्छे नहीं है, वो अच्छा भाई नहीं है। आपको ऐसा लगता है ऐसा, मुझे तो इतना नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा लेकिन इतना नहीं लगा। अरे तुम गलत सोच रहे हो, तुमको कुछ नहीं मालूम है, आयुष इज
वेरी बैड। और छोड़ो उसके बारे में क्या ही बात करो, मुझे तो पसंद भी नहीं है उसके साथ में बात करना ही। वो आ जाता है बस अपने काम के चक्कर में मेरे पास आता है। अभी थोड़े दिन पहले आ रहा था मेरे पास में, मेरे घर में आके उसको मैंने छुपाया है। वो क्रेजी फैन गर्ल से डर गया था, बताओ। तो क्रेजी फैन गर्ल से तो इतनी कोई भी डर जाएगा, वो चाकू लेके आके पेट में घुसा देती है वो। अरे कौन डरता है, मैं नहीं डरती हूँ, मैं डरी नहीं। हाँ वो तो आपको मार दी थी ना, आप डरोगी क्या, आप तो सीधा लुढ़क गई थी। मुझे उठाया और हॉस्पिटलाइज किया, ठीक कर दिया, ठीक है। मतलब वैसे वो अच्छा है यार, भाई है यार, फर्ज है उसका। ओह माय गॉड, तो आपका आपका क्या फर्ज है फिर? हाँ एकता जी, मैं अपना फर्ज पूरा निभा रही हूँ, अच्छी बहन हूँ मैं, अच्छी बहन। ओह माय गॉड, मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कभी। ठीक है अब प्लीज एकता जी। ओह माय गॉड, वो लड़का लगता है, ये इसके जैसा ही दिखता है वो लड़का, लेकिन नहीं मेरे को नहीं पता, सारे लड़के। अरे आओ आओ, मैं तुम्हें उसे बचाऊंगी, चलो चलते हैं यहाँ से बाहर। चलो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपने क्रेजी फैन गर्ल से आयुष भैया को बचाया, मुझे भी बचाओ आप। एक तरी क्या कर रही हो आप, मत बोल देना आप उस क्रीपी लड़के को मेरा स्नैप भेज रही हो। ओके मेरी कार आ गई है, तो चलो अभी आके बैठ जाए, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ओके चलिए एक तरी, मैं कितनी डरी हुई हूँ। वैसे आयुष भैया ना, आयुष भैया भी आपकी काफी बुराई करते हैं पता है। अरे उसको बुराई के अलावा और कुछ आता ही क्या है? वही तो ना, वही तो बात है एकता दी। वैसे एकता दी, हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं अभी? अभी हम लोग जाएंगे सलून में यार, अपने हेयर वेयर बनाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग डेट पे, कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ओ यानी हम लोग अभी गर्ल्स टॉक करेंगे, हम लोग गर्ल्स की चीजें करेंगे, गर्ल्स का काम करेंगे जैसे गर्ल्स करती हैं। यस, उसके बाद में जाएंगे शॉपिंग पे। ओ माय गॉड, ये सब मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा, मैं अभी अभी गर्ल बनी हूँ ना। क्या नहीं नहीं मतलब हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सब तो मैं डेली करती रहती हूँ, यू नो लड़की हूँ ना। हम लोग कॉफी पीने, ओके ठीक है चलो हम लोग पियेंगे, लेट्स गो। ओ कॉफी शॉप, लेकिन एक दादी चलिए यहाँ पे एक स्नैप लेते मजा आएगा, हमारी हमारी पहली स्नैप टुगेदर। ओके यहाँ पर ऐसे करके, ये देखिए आउटसाइड द कॉफी शॉप फ्रेम में आया। यस यस यस, अब कॉफी भी दिख रहा है, आप भी दिख रही हो। दिस इज द परफेक्ट स्नैप गाइस, एंड ये मैंने खींच लिया है विथ माय बेस्ट बडी इन लाइफ, और मैं इसे अपनी स्टोरी पे लगा देती हूँ। वाह एक दादी, थैंक यू, चलो हम लोग कॉफी पियेंगे। सो क्यूट, मैं बेस्ट बडी हूँ, अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कराऊंगी, चलो सलून में चलते हैं। लेट्स गो। कॉफी डाल रहे थे ना, कॉफी नहीं जाएंगे क्या अक्सर? नहीं नहीं नहीं, पहले पहले हम लोग रेस्ट करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे बैठो बैठो मस्त। हाँ एक दादी मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। गाइस दीदी इतना ज्यादा बुराई कर रही है मेरा, हालांकि ये बात है कि मैं भी करता हूँ, लेकिन लेकिन ये मेरे बहुत ज्यादा बुराई कर रही है, अभी इसको मजा चकाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे ट्रिमर निकाल लिया है, ट्रिमर हेयर ट्रिमर है ये। हाँ एकता दी, अरे एकता दी आपके, ओ आपके बाल देखिए नीचे से काफी बिखरे बिखरे हो रहे हैं। हाँ वो थोड़े बहुत तो हो गए, पता नहीं यार ये पार्लर वाली कहाँ चली गई है, मुझे कटवाना था। नहीं नहीं मुझे लगता है आपकी स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, वो जो दो मुंह है बाल होते हैं ना, जो दो दो निकल जाते हैं। हाँ वो तो हो गए। हाँ तो मैं ठीक कर देती हूँ ना, मैं डेली करती हूँ। क्या तुम्हें ये सब आता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना मेरे हाथ में हेयर ट्रिमर गन है, इससे मैं सब। क्या बात कर रहे हो, ठीक है तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, प्लीज कट कर दो। बिल्कुल अभी देखिए क्या मजा आने वाला है, बस आंखें बंद रखिएगा, नहीं तो ये हादसा मतलब आप ये बर्दाश्त नहीं मतलब आप बहुत मजा आएगा, फिर आंखें बंद रखिए आप। ओके वाओ वाओ मजा आ रहा है, लेट्स गो। ओह यहां से भी करते हैं, ऊपर से भी कर देते हैं, मजा आ गया। ओह माय गॉड, एक तो भी आंखें खोलिए। हां मैं आंखें खोलती हूं। यस ओह माय गॉड, अब मेरा हेयर को क्या कर दिया तुमने, ये क्या है? एकता दी ओ सही कर दिया है मैंने, ये देखिए ना आपकी नीचे से स्प्लिट एंड जा चुके हैं, आपके पीछे से जा चुके हैं, आपके आगे से जा चुके हैं। ये क्या किया तूने मेरा बाल को, मेरे इस
साइड से पूरे छोटे हो गए, पीछे से छोटे हो गए। छी, तुम आती नहीं है कटिंग करना, तुमने क्यों किया, क्यों किया? अरे दादी, मैंने सही किया है। मैं भूत, मैं पागल लग रही, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं दादी, बहुत अच्छी लग रही हो आप। जी, और मैं आइए ना, चलिए कॉफी पीते हैं दादी। आइए आइए आइए। अब मुझे ऐसा लग रहा है सच में कॉफी का, ये देखो ये उसने आ गई है। अरे एकता दी, भाई की बुराई करते हैं तो नहीं, नहीं मतलब चलिए चलिए आइए आइए कॉफी पिएंगे। लग रही है एकता दीदी, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा कॉफी वॉफी पिएंगे। भैया एक कॉफी नॉर्मल और एक कॉकरोच वाली कॉफी देना। ये देखिए एकता दी, मैं दोनों कप ले आई हूँ। आइसक्रीम कॉफी है ये। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। यस, यस। चलो इसको पीते हैं। ये इसके अंदर से क्या है? क्या है इसमें? मेरे मुंह में क्या है? कॉकरोच जैसा क्यों लग रहा है मुझे? हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट बडीज। आप कॉकरोच नहीं पी सकते मेरे लिए? मुझे लगा था तुम अच्छे फ्रेंड हो, तुमने मेरे बाल ऐसे कर दिए। कॉफी कैसा है, गंदा सा। अब क्या करूं? आयुषी सबसे बेस्ट है, मुझे आयुषी पसंद है। आप समझ में आ गया एकता दी, आयुष मेरा बेस्ट भाई है। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है, ये लोग गंदे लोग है। अभी रुको मैं दीदी का बताता हूँ। लेट्स गो, आइस पे कनोट का। दीदी, अरे दीदी, अरे दीदी, रुक 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 रुक, अरे कहाँ जा रही है? पानी में कूद, में मत जाना। दीदी ये क्या हो गया मेरा बाल? अरे ये तो मैं प्रैंक कर रहा था, तेरे बाल ठीक ही है, तो मैंने ऊपर से विग लगाया है। वो आयशा भी मैं ही था। क्या बोल रहे तुम? क्या क्या बोली तू मेरे बारे में? अपना विग हटा। हाँ, अपना विग हटा यहाँ से। देख मैं हटाता हूँ ये ऐसे करके। यस, ये देख। मैं तो डर गई थी, मैं कैसे लग रही हूँ? और तुमने कॉकरोच डलवाया मेरे कॉफी? अरे वो कॉकरोच नहीं था, वो टॉय था। ओहो यार, आयुष तू वैसे बहुत अच्छा भाई है मेरा। यस गाइस, देखो दीदी को मैंने मजा चुकाया, कितना बुराई करते हो। लास्ट वीडियो तुम लोग का स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाकर तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। तब तक मैं दीदी की और खेल लेता हूं, तो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में, पूरी सीरीज देख डालो। टिल देन बाय बाय। आयुष पर वैसे तू अच्छा नहीं है, चल निकल यहां से, जा। ओह माय गॉड, और सबक सिखाना पड़ेगा लगता है। आए।